दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रमा स्थित है और धरती पर रात के अंधकार में रोशनी देने वाला हमारा चांद बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चंद्रमा नहीं होता तो धरती का क्या होता? तो चलिए इस वीडियो से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चांद के बाद आसमान में अगर कोई दूसरी सबसे चमकदार वस्तु है तो वो है शुक्र ग्रह। लेकिन शुक्र ग्रह चांद जितना आसमान को चमकदार नहीं बना सकता। एक पूर्ण चंद्रमा चमकीले शुक्र की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक चमकीला होता है। ऐसे में चांद के नहीं होने पर हमारी रातें अंधकारमय होगी। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 12 घंटे की होगी। इस तरह से एक साल में 1000 से ज्यादा दिन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी का घूमना समय के साथ धीमा हो जाता है। इस वजह से एक दिन में 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर चांद का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो पृथ्वी तेजी से घूमेगी और दिन तेजी से बीत जाएगा। बिना चांद वाली पृथ्वी पर समुद्री ज्वार का आकार बदल जाएगा। चांद के बिना समुद्री ज्वार वर्तमान स्थिति की तुलना में एक तिहाई ही ऊंचे हो पाएंगे। उच्च ज्वार वर्तमान की तुलना में बहुत छोटे होंगे और छोटे ज्वार और भी कम हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य ज्वार को प्रभावित करेगा, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, इस वजह से ज्वार छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर वर्तमान में ज्वार 6 मीटर की ऊंचाई तक उठता है तो अगर चंद्रमा नहीं रहेगा तो वह मात्र 2 मीटर ही होगा। और तो और, चांद के नहीं होने की वजह से हमें चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा की अनुपस्थिति में सूरज को ब्लॉक करने वाली वस्तु कोई नहीं होगी, इस वजह से सूर्य ग्रहण नहीं होगा, जबकि बिना चांद के चंद्र ग्रहण हो ही नहीं सकता है। चंद्रमा के बिना हमारी पृथ्वी की धुरी का झुकाव समय के साथ बदलता रहेगा, इस वजह से पृथ्वी पर खतरनाक मौसम देखने को मिलेगा। वर्तमान में चांद की वजह से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, लेकिन चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर बहुत दूर तक झुक सकती है या शायद झुकी ही रह सकती है। इस वजह से पृथ्वी पर हवा की रफ्तार में बढ़ोतरी होते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा अजीबोगरीब मौसम भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप कभी भी किसी को चांद तोड़कर लाने की बात नहीं कहोगे, क्योंकि चांद के जाने के बाद उसका परिणाम क्या होगा आप देख ही रहे हो। भाई, चांद जाए या ना जाए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।